नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपका रीजनिंग विद एमसीए में। और आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चलो शुरू करते हैं टाइप वन के साथ। टाइप वन में आता है दोस्तों वैन फर्स्ट डिपेंड ऑन सेकंड एंड सेकेंड डिपेंड ऑन थर्ड। मतलब जब पहला दूसरे पर निर्भर करता हो और दूसरा तीसरे पर निर्भर करता हो। हिंदी में भी लिख देते हैं दोस्तों, जब पहला दूसरे पर निर्भर करता हो और दूसरा तीसरे पर निर्भर करता हो। फर्स्ट अपना टाइप ये है दोस्तों, इसमें जब पहला दूसरे पर और दूसरा तीसरे पर निर्भर करता हूँ। दोस्तों मैं आपको एग्जांपल के साथ करवाता हूँ एक दो क्वेश्चन, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है टाइप वन। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल एग्जांपल नहीं, हम एग्जांपल लेते हैं अपना। ओके ये देखते चलो, हरियाणा ये दोस्तों, हरियाणा इंडिया और रोहतक। रोहतक ठीक है दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है रोहतक हरियाणा से, हरियाणा इंडिया से। तो अपना फर्स्ट टाइप क्या है, फर्स्ट सेकंड से, सेकंड थर्ड से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा दोस्तों, ये हमारा रोहतक आ गया दोस्तों। रोहतक किसमें है, हरियाणा के अंदर है तो हरियाणा आ गया। हरियाणा कहाँ है, इंडिया के अंदर तो इंडिया सबसे बाहर आ गया। ये फर्स्ट सेकंड से, सेकंड थर्ड से रिलेटेड करता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर वन। दोस्तों सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अब क्या लेंगे इसमें, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं अपना मैथ से रिलेटेड। चलो मैथ की तरफ चलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, ये सेकेंड। सेकेंड एग्जाम्पल क्या लें हम, स्क्वायर ये बारे दोस्तों, स्क्वायर लिया हमने, स्क्वायर के साथ लेते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, और थर्ड आता है हमारा पॉलीगन। ठीक है दोस्तों, तो आप सबने पढ़ा होगा रेक्टेंगल स्क्वायर पॉलीगन। जो पॉलीगन होती है उनकी फोर साइड्स होती है, उसमें स्क्वायर भी आ गया और रेक्टेंगल भी आ गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और जितने भी स्क्वायर होते हैं वे सारे हमारे क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, और जो रेक्टेंगल होते हैं वे पॉलीगन होते हैं। तो कैसे रिलेट करेंगे उसे, सबसे पहले हमारा आएगा स्क्वायर, फिर आएगा अपना रेक्टेंगल, फिर अपना आएगा पॉलीगन। ठीक है दोस्तों, ये हमारे दो टाइप हो गए, मतलब सॉरी दो क्वेश्चन हो गए हैं फर्स्ट टाइप के। अब चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ, आपको समझ आ गया होगा। जैसे एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, जैसे अपना हो गया यूपी लखनऊ और इंडिया। तो आपको पता है लखनऊ यूपी के अंदर आता है और यूपी इंडिया के अंदर आता है। तो बस इतनी सी बात याद रखना, जब फर्स्ट सेकंड पर डिपेंड हो, सेकंड थर्ड पर डिपेंड हो, वो अपना टाइप फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ। टाइप सेकंड पर चलते हैं दोस्तों। टाइप सेकंड में क्या है, व्हेन फर्स्ट एंड सेकंड आर एंटायरली डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट
टू ईच अदर, ठीक है, बट डिपेंड्स ऑन थर्ड, जब पहला दूसरे से बिल्कुल भिन्न हो बट वे तीसरे पर निर्भर करते हो, जब पहला और दूसरा एक दूसरे से भिन्न हो लेकिन तीसरे पर निर्भर हो, ये हमारा सेकंड टाइम है दोस्तों। पहला दूसरा एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होंगे बट वे दोनों ही तीसरे पर निर्भर होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं सेकंड टाइप का दोस्तों। सेकंड टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों एक दूसरे से भिन्न हो तो लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस। फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस, आप सभी को पता है फिजिक्स केमिस्ट्री एक दूसरे से भिन्न है बट वे दोनों की दोनों साइंस पर डिपेंड है, दोनों साइंस के अंदर आती है। तो हमारा क्या वेन डायग्राम बनेगा, इसमें अंदर आएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री और एक गोला बनेगा साइंस का, ये हमारा वेन डायग्राम बनेगा सेकंड टाइप का, जब दो आपस में एक दूसरे से भिन्न हो बट वे दोनों ही तीसरे पर निर्भर करते हो, तो ये हमारा बनता है सेकंड टाइप। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं थर्ड टाइप पर। टाइप थर्ड की तरफ चलते हैं दोस्तों। वेन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर पार्किली रिलेटेड टू ईच अदर्स, व्हेन फर्स्ट सेकंड थर्ड आर पार्किली रिलेटेड टू ईच अदर। पार्किली का मतलब होता है कुछ भाग, ठीक है दोस्तों, कुछ भाग। जब हिंदी में लिखते हैं, जब फर्स्ट सेकंड और थर्ड अपना कुछ भाग एक दूसरे से शेयर करते हो, जब पहला दूसरा और तीसरा अपना कुछ कुछ भाग एक दूसरे से शेयर करते हो, वो हमारा थर्ड टाइप होता है दोस्तों। थर्ड टाइप में एग्जांपल लेते हैं, अपना एग्जांपल आता है बॉय स्टूडेंट और एथलीट।
ठीक है दोस्तों, वो है स्टूडेंट एथलीट। अब इसको समझते हैं क्या क्या वेन डायग्राम बनेगा इस थर्ड टाइप में। तो थर्ड टाइप में बनेगा, देखो बॉय, ये आया अपना बॉय, जो अपना बॉय होगा वो स्टूडेंट होगा। तो ये तो है नहीं कि सारे बॉय स्टूडेंट हो, कुछ बॉय पढ़ते नहीं है, कुछ बॉय बॉय रहते हैं स्टूडेंट बनते, तो कुछ भाग स्टूडेंट के साथ शेयर करेगा। तो ये आया अपना स्टूडेंट का, सारे लड़के विद्यार्थी नहीं होते। और अब बारी आई एथलीट की, सारे लड़के एथलीट नहीं होते और सारे स्टूडेंट एथलीट नहीं होते। तो दोस्तों तीसरा ये हमारा शेयर हो गया तीनों का पार्ट, ये बनेगा हमारा वेन डायग्राम थर्ड टाइप में, जो अपना थोड़ा थोड़ा पार्ट शेयर करते हैं, उसे कहते हैं पार्टली, कुछ कुछ भाग बॉय स्टूडेंट एथलीट, ये अपना थर्ड टाइप हो गया। अब चलते हैं फोर्थ टाइप की तरफ। आई होप आप समझ गए होंगे थर्ड टाइप, जब पहला दूसरा तीसरा अपना कुछ कुछ भाग, मतलब बॉय स्टूडेंट एथलीट, सारे बॉय स्टूडेंट नहीं होते, उसमें गर्ल्स भी आ जाती हैं स्टूडेंट्स में और एथलीट में भी आ जाती हैं, तो इसलिए कुछ कुछ भाग इन्होंने अपना शेयर किया। अब चलते हैं टाइप फोर की तरफ दोस्तों, टाइप फोर की तरफ बढ़ते हैं। टाइप फोर में क्या है देखो, व्हेन फर्स्ट एंड थर्ड entirely different each other's, but partly related to second. When first and third entirely different each other but partly related to second. हिंदी में देखो दोस्तों, जब पहला और तीसरा एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न हो पर या लेकिन दूसरे के साथ कुछ भाग शेयर करते हो। टाइप फोर में है जब फर्स्ट तीसरे से, मतलब पहला और तीसरा एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न हो परंतु वे दोनों सेकंड से कुछ भाग शेयर करते हो। पार के लिए का मतलब आपको बताया था कुछ भाग, तो ठीक है दोस्तों एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल क्लॉथ्स फ्लावर, ठीक है दोस्तों ये फ्लावर्स और वाइट, इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हुआ अपने पास, उसको आप सभी को पता है फ्लावर क्लॉथ्स और वाइट का रिलेटेड इस एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल परफेक्ट है। फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट क्या है अपना क्लोथ्स, ठीक है फ्लावर क्या है, ठीक है दोस्तों, बट वाइट, सारे कपड़े वाइट नहीं होते आपको भी पता है और सारे फ्लावर भी वाइट नहीं होते। तो दोस्तों सेकंड वाले का कुछ भाग फर्स्ट और थर्ड से रिलेटेड हो, तो ये हमारा फोर्थ टाइप हो गया। आप देखो कुछ क्लॉथ्स वाइट होते हैं, कुछ फ्लावर वाइट होते हैं, तो अपना निकल के आया जब पहला और तीसरा एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न हो, पूरी तरह भिन्न है बट वे दूसरे के साथ अपना कुछ पार्ट शेयर करते हो, तो कुछ पार्ट शेयर ये कर रहे हैं। तो दोस्तों अब फोर्थ पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट के बाद
मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जो अपने चार टाइप हुए हैं उनका प्रैक्टिस कराता हूँ अभी, और फिर आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अभी जो मैंने फोर टाइप कराए हैं उन चारों टाइप को के मैंने चार क्वेश्चन लिखे हैं, आओ साथ मिलकर अटैम्प्ट करते हैं। चलो दोस्तों, स्टेट डिस्ट्रिक्ट कंट्री, आप सभी को पता है डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो स्टेट के अंदर आता है, स्टेट जो होता है कंट्री के अंदर आता है। तो इसमें हमारा क्या वाइन डायग्राम बनता है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और ये आ गया अपना कंट्री। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी कीजिए साथ साथ और देखिए आपका सही है या गलत। सेकंड पे चलते हैं, एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर। अब एक्टर है, सिंगर है, डायरेक्टर है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता हो आपने एक रूल पढ़ा था जिसमें तीनों अपना कुछ कुछ भाग शेयर करते हैं, वो ये टाइप है। तो दोस्तों करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। जो एक्टर होते हैं सभी एक्टर सिंगर नहीं होते, और कुछ एक्टर ही सिंगर होते, कुछ एक्टर ही डायरेक्टर होते हैं, कुछ भी होता है। तो कुछ एक्टर सिंगर भी हो सकते हैं, कुछ सिंगर एक्टर भी हो सकते हैं, और आई डायरेक्टर हुआ था। कुछ डायरेक्टर एक्टर भी हो सकते हैं, सिंगर भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, सभी नहीं हो सकते ना। तो इसलिए कुछ कुछ भाग अपना ये एक दूसरे से शेयर करेंगे। ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया, एक्टर भी आ गया, सिंगर भी आ गया, डायरेक्टर भी आ गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते डॉग, कैट, पेट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, डॉग, कैट, पेट। जो भी लास्ट अपना हमने एग्जांपल लिया था, मतलब जो लाइफ टाइप किया था उसका क्वेश्चन, जो हमारे डॉग होते हैं वो, और जो हमारी कैट होती है वे एक दूसरे से भिन्न है, मतलब एक दूसरे से भिन्न है, कोई डॉग का कैट का कोई रिलेटेड नहीं होता। और जो पैट होते हैं, सभी डॉग और सभी कैट तो नहीं होते ना पालतू जानवर, तो कुछ डॉग पालतू होते हैं, कुछ कैट पालतू होती है, ये दोनों कुछ कुछ भाग अपना शेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये आप करो बोटन, बायोलॉजी, जूलॉजी। ये होता है वनस्पति, ठीक है दोस्तों, या बायोलॉजी का आपको पता है, जूलॉजी होता है जंतु। तो अब मैंने हिंदी बता दी तो आप कर सकते हो इस क्वेश्चन से इजीली, जो होता है बोटनी और जूलॉजी का कोई रिलेशन नहीं है दूसरे से, बट ये दोनों के दोनों बायोलॉजी में आते हैं। बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं और वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये अपना टाइप हो गया फोर, चारों के चारों टाइप हो गए, मैंने क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा चैप्टर, बट अभी और टाइप भी है इसमें, अभी नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं। आप जब तक इसे नोट कीजिए और देखिए दोस्तों, ये आज के अब हमने चार टाइप सीखे हैं वेन डायग्राम के, और आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप, अभी फोर टाइप्स और बचे हैं इसमें, नेक्स्ट फोर टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप चारों टाइपों की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, आपके ज़रूर क्वेश्चन सॉल्व आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और जाते जाते सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों।